मॉर्निंग, आज का दिन है फ्राइडे। फ्राइडे होता है दुर्गा माता का दिन, तो सब प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। और मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ था मार्केट में सामान लेने के लिए, घर जाके दिखाता हूँ क्या क्या लेके आया था अपना सामान लेके। सो अभी आज मैंने सोचा कि बनाना है, नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह मैं ब्रश व्रश करके गया था मार्केट फ्रेश होने के बाद। और अब हम खा रहे हैं आज आलू पूड़ी, हमारा है आज का क्या कहते हैं लंच ब्रेकफास्ट। सो पूड़ी आलू और ये चाय मेरी, और यहाँ पे मम्मी है रही। मम्मी तो नहा ली, मैं अब नहाऊँगा भी क्योंकि थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद, फिर उसके 10 मिनट बाद फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या मार्केट से सामान लेके आया आज, ठीक है। तो फिर आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। व्यूअर्स, अभी मैं बताता हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आया। आई थिंक मैं भूल गया बताना आप लोगों को। और सारे आज मैंने, मेरी सैलरी आ जाती है ना 28 को, तो मैंने सारा जितने भी लोन वोन सब होते हैं घर में जो भी मुझे देना होता है सब देके क्लियर किया। तो टेंशन फ्री रहता है इंसान, है ना, कि सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करके जितने भी हैं तो सब अच्छे से मैंने दे दिया है। बिल्स विल्स सब क्लियर हो गया, अब पूरा मैं रिलैक्स्ड हूँ, ठीक है। कोई कर्जा नहीं मेरे ऊपर इस महीने का, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ना। पर मेरे से पता है ऐसा क्या होता है कि एक फ्री होता है फिर दूसरा सोचना होता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्या चीज़ लेनी है, क्योंकि यही होता है कि अपना क्रेडिट कार्ड्स का ये बेनिफिट होता भी है कि अपना एक चीज़ ले सकता हो उससे, क्योंकि एक महीने का गैप पीरियड तो मिल जाता है ना। अगर इस महीने करूँगा तो अगले महीने ही देना होगा, और EMIs में भी दे सकते हो, तो एक ही फ़ायदा होता है ना। तो चलिए सामान दिखाते हैं। ये लेके आया मैं दही, दही को रख देते पहले फ्रिज में बिकॉज वो हमारी कहीं ख़राब ना हो जाए, है ना। मैंने मम्मी को बोला या तो दही के आलू बना लेना या आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेना, ठीक है, जो आपका मन करे। और इसके अलावा चाय की पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी, सो मेरी नहीं मतलब कि चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, सो चाय की पत्ती ले आया। इसको यहाँ रख देते हैं इस जगह पे, यहाँ रखते हैं। और लेके आया मैं टाइट कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब अगले महीने से कैरब आ जाएगा, लेकिन तब भी हम वेडनेसडे और कब कपड़े धोया करेंगे, वेडनेसडे और शनिवार को, क्योंकि ज़्यादा होते नहीं है कपड़े यार, डेली मशीन क्यों चलाना। और ये ब्रेड, ताजी ब्रेड है, कलम खाएंगे सैंडविचेस तो इसलिए मैं ब्रेड लिया ताजी। फिर्स में नहा के आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं काटने जा रहा हूँ ये फल, है ना, क्योंकि 12 बज गया है, थोड़ा सा लेट हो गया ना। मैंने ऑफिस का भी लॉगिन कर लिया है मैंने अपना, अब बस अपना फल काटूंगा उसके बाद अपना काम करूंगा, है ना। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम है तो पूरा कंप्लीट जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं तो फैम में 1 घंटे की नहीं ले पाऊँ आराम से। अगर नहीं ले पाता ना तो मेरे को सर दर्द होने लगता है, कि वर्क फ्रॉम होम ने भी ना काफ़ी वैसे इम्पैक्ट किया है कहीं ना कहीं ना। ऑफिस में रहता तो नींद नहीं आती थी, अब घर में रहता तो नींद आती है 1 घंटा, क्योंकि ऑफिस में रहते थे तो गॉसिप करने चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ, चाय पे चले जाओ, है ना, चाय पे गॉसिप कर लो। अब घर में रहते हो फिर अब क्या करोगे, तो मैं तो सो जाता हूँ इसलिए अपना 1 घंटे का ब्रेक में इसलिए ले लेता हूँ अपने ऑफिस से, है ना। तो बस अब मैं काट रहा हूँ फल, उसके बाद हम खाएंगे लंच। सो मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर के बाद। सभी हो रही आफ्टरनून और मैं आया हूँ मम्मी के कमरे में, तो हमारा हो रहा है अब लंच का टाइम। अब हम लंच में क्या ले रहे हैं, आज दही के आलू बनाए मम्मी ने, जो बहुत दिनों से मैं कह रहा था मम्मी को बना ली थी, फाइनली उनका मुहूर्त आई गया, क्योंकि दही खट्टी नहीं हो पा रही थी इसलिए। और अभी मैं एक ब्लॉग देख रहा था अपनी, मेरी सिस्टर है निधि कौशिक का ब्लॉग, उसने ना बोला कि कोफ्ते वाला मौसम होता है, उसमें इतनी हंसी है। मैंने कहा कोफ्ते का भी कोई मौसम होता है भाई, कोफ्ते का कौन सा मौसम हो गया, है ना, बहुत अच्छा था वो, देखना आप जाके, है ना। और यहाँ पे मम्मी बना रही है हमारी रोटी हमारे लिए बढ़िया, और साथ में है हमारा क्या दही के आलू। सो हम खा रहे हैं अपना लंच, मिलते हैं आपको। मम्मी कोफ्ते का भी कोई मौसम होता है, कोफ्ते का मौसम होता है कोई? नितिन है ना, नीति का ब्लॉग देखा तो उन्होंने ना कहीं घिया रखे, घिया का क्या बनाओ कोफ्ते, फिर उसके बाद बोले कि कोफ्ते का मौसम हो रहा है। बरसात हो रही थी ना, कोफ्ते का भाई कौन सा मौसम, बढ़िया मारा था तूने।
मजे आ गए। और मुझे तूने साउंड लगाई ना, नहीं थी बहुत बढ़िया थी। ये ब्लॉग देख रही है तो ज़रूर कमेंट करियो है ना। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपनी लंच की थाली, क्या है मेरी आज की थाली में। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और सॉरी नेक्स्ट ब्लॉग में बंद क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी इसे क्यों बंद कर, अभी तो कुछ बनाया ही नहीं आज का। तो दिखाता हूँ आपको लंच अपना अभी, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स ये देखिए आज की थाली में है हमारी दही के आलू, और ये है मिर्च, और यहाँ पे है रोटी। सो ये है हमारी आज की थाली, सिंपल थाली है, बहुत बढ़िया। सो विश यू वेरिंग हैप्पी एंड हेल्दी ईटिंग ऑलवेज, एंड चल रहा है यहाँ पे सास बहू और साजिश, ठीक है। हम लोग खा रहे हैं अपना लंच, आप लोग मज़ा लीजिए। यहाँ मम्मी एक ऑर्डर चल रही है मेरी मैं धीरे धीरे खाता हूँ। और ये आप ये प्लेट आप यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझसे ना गर्म सब्ज़ी खाई नहीं जाती है। सो मैं इसमें डालूँगा तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर मज़ा लेकर खा पाऊँगा मैं। और मम्मी को पसंद है गर्म सब्ज़ी बहुत, तो ये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं लंच, आप लोग भी मज़ा लीजिए लंच का। सभी हो रही है शाम, और बन टाइम हो रहा है क्या, चाय का टाइम होता है ना शाम को। सुबह ही बन रही है यहाँ पे चाय, और यहाँ पे मैंने कचरियाँ भून के रख ली हैं, अब हम खाएंगे ये। उसके बाद मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टी शर्ट मैंने ली थी अपने बर्थडे पे, उसको चेंज करवाने। सो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है रंग, सो वो चेंज करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने एक ही बारी पहनी पहनी भी नहीं, मतलब कि ट्राई करी तो मेरे वो रंग नहीं अच्छा लगा। सो वो मैं चेंज करवाने जाऊँगा अभी, और एक सेकेंड रुकना। और उसके बाद मुझे एक जगह और भी जाना है, तो वो मैं आपको लेके चलूँगा, ठीक है। तो पहले हम चाय पीते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मतलब कि रिकॉर्ड तो नहीं करूँगा, चाय पीजिए आप लोग भी अपने घरों में, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, मैं आया हूँ अपनी चाची के यहाँ पे आज, और बस अभी ये लिफ्ट आ गई इनकी, और मैं जा रहा हूँ ऊपर चाची के पास, ठीक है। तो हम आए हुए थे हिमांशु की छत पे, मैं इसके घर में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम बातें करने में लग गए थे, टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा कि तुम अपनी छत दिखा दे, कह रहा छत बड़ी अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी छत है, देखो पूरी टाइल्स वाइल्स सब लगी हुई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ से, और बढ़िया है। और टंकियाँ भी हैं, देखो यहाँ पे तीन टंकियाँ लगी हुई हैं। हाँ जी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो अच्छे से बना भी अच्छा हुआ है बिल्कुल, और व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अपना सुबह घूमो यहाँ पे डेली आके, है ना। खाने जा रहे हैं चाप, चाप मलाई चाप और मैंगो शेक, तो हम खाने जा रहे हैं अभी, फिर हम आपसे मिलेंगे। वॉइस ओवर लगा देंगे। तो ये है गाइस यहाँ पे मलाई चाप, और साथ में आएंगे रुमाली रोटी, और ये है हमारी थम्सअप। हिमांशु बैठा हुआ यहाँ पे, कैसा लग रहा है खा के बताइए, रिव्यू दें। ये खाएगा, कैसा है, बढ़िया है ना, बढ़िया है। हमारे घर के पास ही है शॉप, वहीं हम खा रहे हैं ये मलाई चाप, और ये अभी मेरी रोटी भी आ गई, ये आ गई हमारी रुमाली रोटी। तो ये हमारा है आज का डिनर, मैं अपना क्या मलाई चाप खा के आ गया था घर पे। मैंने तो आके डिनर किया नहीं था, मम्मी ने ही किया था, बस क्या खाया था मम्मी ने, दही के आलू और रोटी, पर वो तब भी थोड़े से बच गए, तो मैं कल खा लिया नाश्ते में, वही खाया था। ऑफिस का काम भी मेरा ख़त्म हो गया, ब्लॉग आउट कर लिया मैंने, अब थोड़े से मैं अपने ये प्रेस के कपड़े आज ही दे गई, वो आई थी रानी नाम थी हमारे यहाँ पर, वो आती है सो यहीं पर दे गई, अब इसको मैं बस लगा दें, अपने अपने निकाल लूँगा, मम्मी को दे दूँगा। तो बस ऐसा ही रहा हमारा कुछ, मेरा कुछ आज का पैक शेड्यूल, ठीक है, पूरे दिन का। सो मिलता हूँ आपको कब, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपको अपने घर में क्या रहना है, खुश रहना है, सुरक्षित रहना है, हंसते रहना है, गुनगुनाते रहना है। लव यू मिस यू बाय, लव यू मिस यू बाय, ऐसे बोल देंगे लाइन में, लव यू मिस यू बाय, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहो।